नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज का जो वीडियो है वो इतना एडवांस वीडियो है कि इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कई बार प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं जिसके थ्रू आप आपके बिजनेस को, आप आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, आप अगर खुद एंड यूजर है तो आप आपकी रिक्वायरमेंट को इस लेवल पर बढ़ा देंगे कि आपका काम काफी ईजी हो जाएगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ये वीडियो देखने के बाद में तो आप 100% हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने ही वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे के साथ में शेयर भी कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई बार बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, उन हॉलीवुड मूवीज के अंदर हम लोगों ने सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी देखी है, और वो टेक्नोलॉजी इतने एडवांस लेवल पर होती है कि हम सिर्फ उसको इमेजिन करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो इमेजिनेशन है, ये आपके जो ड्रीम्स हैं, वो अब सब ट्रू होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसे VMS सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं कि जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को आसान कर देगा। आज मैं बात कर रहा हूं एक ट्रासिर कंपनी के बारे में। जी हां, कंपनी का नाम है ट्रासिर। 20 साल पुरानी कंपनी है, 35 कंट्रीज के अंदर इन लोगों ने अपनी इंस्टॉलेशंस किए हुए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी जिसके नाम आप याद रहे, आपको खुद को याद होगा, वैसी कंपनी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो रेनॉल्ट कंपनी है, मैकडोनल्ड कंपनी है, बर्गर किंग है, इन्होंने कोको कोला कंपनी के अंदर अपने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, वोल्वो कंपनी के अंदर इन्होंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर ग्लोब के अंदर इन्होंने काफी रेपुटेटेड कंपनी के साथ में काम किया है। ट्रेसिर कंपनी के जो काम है वो कई सारे सेक्टर्स में है इंटरनेशनली। तो ये लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुके हैं, ये यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुके हैं, कई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वेयर हाउसेज हैं और मनी मोर, काफी जगह पर इनके सॉल्यूशंस यहाँ पर इन लोगों ने डिजाइन किए हुए हैं। आज तक हम लोग सोचते थे कि नंबर प्लेट को रिकॉग्निशन करने के लिए नंबर प्लेट वाला कैमरा लगता है, फेस को रिकॉग्निशन करने के लिए फेस के लिए अलग से कैमरा लगाना पड़ता है, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल हीटिंग को देखने के लिए कि कहां पर फायर हुई है तो उसके लिए अलग कैमरा लगाना पड़ेगा। इस तरह के काफी सारे अलग अलग कैमरे और उसकी कॉस्ट को एनालिसिस करने के बाद में हम लोग ये सब चीजें कर नहीं पाते थे, या तो क्लाइंट एग्री नहीं करता है या फिर उसका बजट काफी ऊपर चला जाता है कि उसके पास में तो ऑलरेडी सब सिस्टम्स लगे हुए हैं। लेकिन ये जो ट्रेसिर कंपनी है उसने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाया है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके एग्जिस्टिंग सीसीटीवी के जो सेटअप्स होते हैं, चाहे आपने एनालॉग कैमरा लगा हो, चाहे आपका एचडी कैमरा लगा हो, चाहे आपका यहां पर आईपी कैमरा लगा हो, कोई भी कैमरे के अंदर से ये आपको नंबर प्लेट रिकॉग्निशन करवा सकते हैं, ये आपका फेस डिटेक्शन करवा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर बताता हूं। फॉर एग्जांपल अभी कोविड का टाइम था, अब कोविड के टाइम के अंदर हुआ क्या कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ती थी। अब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है हम इसको मैनेज कैसे करें, ट्रैक कैसे करें, ट्रेस कैसे करें, पॉसिबल नहीं था। लेकिन इनके सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि 2 पर्सन जो खड़े हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है आपने जो सेट किया है, और वो अगर डिस्टेंस चलो आपको पता चल गया तो इसके नोटिफिकेशन भी आपको यहां पर मिलते हैं। केस नंबर 2 पे बात करते हैं कि इनके पास में है फेस रिकॉग्निशन कैमरा। एक्चुअली आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर काफी कई जगह पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गुनहगार होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो आते हैं जाते हैं लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाते। इनके पास में इनके सॉफ्टवेयर की मदद से आप उस फेस को डिटेक्ट कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और उस रिकॉग्निशन के बाद में आपको जहां पर भी अलर्ट चाहिए वो अलर्ट दे सकते हो। अगर इसके साथ में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाओ ना तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, मतलब उसके पास में भले ही परमिशन है आने की और जाने की लेकिन आप यहां पर ब्लॉक कर सकते हो। सो जो ट्रेसिर सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू, मतलब कि अगर आपका जो कैमरा लगा हुआ है, अगर उस कैमरे के ऊपर कोई ढक देता है, कोई इस कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है, कोई अगर इस कैमरे का मूवमेंट प्लेसमेंट चेंज देता है, मतलब इधर है तो इधर कर देता है, तो भी आपको इस
सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही जबरदस्त नीड है आज की तारीख में मार्केट की। और इसके साथ साथ में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो पोस्चर्स होते हैं ना, वो भी कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कोई एटीएम को तोड़ रहा है, जो जब तोड़ रहा है तो कैसे पता चले कि वो एटीएम को तोड़ रहा है, तो इसके लिए भी उन्होंने पोस्चर्स के हिसाब से, मतलब हमारी जो फिजिकल बॉडी में झुका हुआ हूं, खड़ा हूं, बैठा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहां पर इन्होंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। सेम एज इट इज विद द फेस मास्क डिटेक्टर, मतलब अगर आपके कोई एम्प्लॉय ने मास्क नहीं पहना है, तो अगर मास्क नहीं पहना है तो उसका डिटेक्शन हो जाएगा कि भाई किस एम्प्लॉय ने आपका मास्क नहीं पहना है। नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सेस कंट्रोल के साथ में अगर कनेक्टेड है तो ये एक्सेस कंट्रोल आपको एक्सेस करने ही नहीं देगा, भले उसके पास में अथॉरिटी है, लेकिन जब तक वो मास्क नहीं पहनेगा तब तक आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई टाइप के वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस ये जो कंपनी है वो हमें यहां पर प्रोवाइड करती है। चलिए एक और चीज बताता हूं आपको कि अगर आपकी जो प्रीमाइसेस है या फिर आपने कहीं पे एग्जीबिशन किया है, वहां पर अगर आपको ये डिटेक्ट करना हो कि ये जो बंदा है वो आपका एम्प्लॉई है और ये जो बंदा है वो आपका कोई पर्सन है, यानी कि कस्टमर है। अब बट ऑब्वियस है कि अगर हमारे एम्प्लॉई होते हैं और एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं तो उनके पास में ड्रेस कोड होता है। यहां तक कि ये जो इनका सॉफ्टवेयर है वो कैमरे के अंदर से जिस कलर का, मतलब अगर ये ब्लैक कलर के अगर आपके शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है कि जो ब्लैक कलर का जो टी शर्ट पहना है वो आपका एम्प्लॉई है और जिसने ये नहीं पहना है वो आपका कस्टमर है। सो इस तरह की बहुत ही बारीकी से, मतलब हर एक पिक्सल को यहां पर मैनेज किया है, यहां पर रूल बनाए गए, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है वो रूल डिफाइन करता है, उसके साथ साथ में जो पाइथन स्क्रिप्ट है उसको डिफाइन करता है, उसके थ्रू ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती है। अब आपका एक सवाल आएगा मेरे पास में कि क्या ये सभी तरह के कैमरे में यहां पर सपोर्ट कर लेता है, तो थोड़ा सा एक यहां पर स्टार आता है क्योंकि वो आप भी समझ पाएंगे। अगर आपके पास में कोई ऐसा कैमरा है कि जिसके अंदर फेस ही नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर जो कलर अब ब्लैक है उसकी जगह पे ग्रीन कलर आ रहा है, तो बट ऑब्वियस वो कैमरे का हार्डवेयर का फॉल्ट है। तो यहां पर आपके पास में जितनी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्लियरिटी का कैमरा होगा, तो उतनी एक्यूरेसी इस सॉफ्टवेयर से आप निकाल पाओगे। मेरे दिमाग में भी जब भी ये सब चीजें आई थी और इतनी सारी जब चीजें मुझे जानने के लिए मिली अबाउट द ट्रेसिर, तो बहुत सारे सवाल, जैसे आपके अभी बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग के अंदर, तो वैसे ही सवाल मेरे पास में भी आए। तो जब वो सवाल आए तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कंपनी से कांटेक्ट करूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेसिर कंपनी के अंदर काम करने वाले आदित्य सतीश से, जो हिंदी में बात करते हैं। एक्चुअली ये जो कंपनी है वो रशियन है, 35 कंपनी में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, इंस्टॉलेशंस जाते हैं, लेकिन आदित्य सतीश जो है वो एशिया देखते हैं और एशिया के साथ साथ में उसमें हमारा इंडिया भी आता है, तो ये हिंदी भी जानते हैं। सो मेरी इनसे कुछ बातचीत हुई थी और उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, ऐसे ही समझ लीजिए आप। मेरे दिमाग में काफी सारे क्यूरियस भले सवाल थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को रिकॉर्ड करें और आपके साथ में भी लेके आए। तो चलिए देखते हैं मेरे और आदित्य सतीश के साथ में जो बातचीत के जो अंश है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सो हेलो दोस्तों, अभी हमारे साथ में यहां पर लाइव हो चुके हैं आदित्य सतीश फ्रॉम रशिया, फ्रॉम ट्रेसिर। तो चलिए उनसे कुछ सवाल करते हैं हम, और सबसे पहला सवाल तो बट ऑब्वियस यही होगा हमारा कि आदित्य बताइए अपने बारे में और ट्रेसिर के बारे में कि एक्चुअली ट्रेसिर कैसे काम कर सकती है और आप वहां पर क्या रोल प्ले करते हैं। जी नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है, मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, तो अभी मैं ट्रेसिर कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा पोजीशन यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट और पार्टनरशिप मैनेजर हूँ। तो थोड़ा सा हमारा कंपनी के बारे में, हम सॉल्यूशंस दिलवाते हैं पूरा सीसीटीवी इकोसिस्टम पे, तो जो भी सवाल जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में या वर्क एफिशिएंसी अगर बढ़ाना करना है या कुछ प्लान्ड या अनप्लान्ड लॉसेस भी होते हैं कंपनीज के तरफ से, तो हम इसमें मदद कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशंस के साथ। दैट्स ग्रेट। सो आदित्य, जब आपसे मेरी पहली बार बातचीत हुई थी और आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशन मुझे भेजे थे और मैंने आपकी कंपनी की प्रोफाइल को देखा, तो उसके अंदर एक VMS उसमें बताया गया है, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता पाएंगे कि ये VMS क्या है और इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, यानी कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो रही थी, तो ये क्या क्या कर सकता है?
हाँ, तो VMS का मतलब वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं ताकि सारे इक्विपमेंट जो सिक्योरिटी लेवल पे हो, जैसे हार्डवेयर इक्विपमेंट, कैमरा सिस्टम्स, NVR, हम एक ही प्लेटफॉर्म पर ही उसको कनेक्ट कर पाए और सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा बेसिक एनालिटिक्स जैसे साउंड डिटेक्टर, फायर एंड स्मोक और मोबाइल ऐप भी सब कुछ फ्री में आता है। और हमारे दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिक्स जैसे AI एनालिटिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन या लेफ्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ही मैनेज कर पाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आदित्य, एक चीज और बताइए कि हमने कैपेबिलिटीज उसकी देखी और ये सब चीज, तो जब हम VMS को इंस्टॉल करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? मतलब कि जस्ट ओनली एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर उसके साथ में कोई हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें? जी, तो एक्चुअली कोई भी हमारे सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकता है और यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसके पास वो चैलेंजेस हो सिक्योरिटी लेवल पे, या अब उनका कोई अनप्लान्ड ये सारे लॉसेस जो है, तो हम एक्चुअली पूरा इक्विपमेंट जो है उनके पास, हम 99% ऑफ द ग्लोबल ब्रांड्स हम कनेक्ट कर पा सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से हमने वो थर्ड पार्टी सिस्टम्स जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, MES या ERP प्रोग्राम्स भी हमने इंटीग्रेट करके ये भलाई हो सकता है एंड यूजर तक। मतलब ओवरऑल आपका कहना यहाँ पर यह है कि आपके पास में नो डाउट सॉफ्टवेयर तो है ही है, उसके साथ में आप कोई भी कंपनी के थर्ड पार्टी जो हार्डवेयर होते हैं वो भी आपके सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, एज वेल एज आपके जो सॉफ्टवेयर है वो भी, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट हो सकता है। तो क्या ट्रेशर के पास में उसके खुद के भी कुछ हार्डवेयर हैं, और अगर वो हार्डवेयर हैं तो किस तरह के हैं और कब जरूरत पड़ती है उनकी? ट्रेजियर ग्लोबल के पास भी एक कैटलॉग भी है हमारे हार्डवेयर इक्विपमेंट। तो हमारा छोटा सा लाइनअप है कैमरास के, लेकिन ज्यादा से हमारा बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे सर्वर्स के। तो न्यूरो स्टेशंस भी लगा सकते हैं, या मिनी न्यूरो स्टेशंस, या अल्ट्रा स्टेशंस भी, जिस पर 250 से चैनल से ज्यादा भी हम कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, यानी कि आपके पास में सॉफ्टवेयर के भी सॉल्यूशंस हैं और हार्डवेयर के भी सॉल्यूशंस हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह के एनालिटिक्स चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कस्टमाइज करते होंगे, एम आई राइट? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आदित्य, मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब मैं आपके कंपनी की प्रोफाइल को देख रहा था और उसके अंदर जब मैंने कंप्लीट सॉल्यूशंस देखे, तो आपने काफी सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को कवर किया है। सो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि और क्या क्या और कैसी कैसी इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम करता है? जी बिल्कुल। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेते हैं, जैसे प्राइवेट होम्स या रेस्टोरेंट्स या छोटे से दुकान, हम उस पर भी लगा सकते हैं। हम एनालॉग कैमरास जिस पर वहाँ ऑलरेडी सेटअप हुआ है, या कोई पुरानी से मॉडल या सीरीज कैमरा का ब्रांड भी, हम वो सारे कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर लार्ज स्केल एग्जांपल लेंगे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में, हमने बहुत सारे फैसिलिटीज का हम एक ही सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम भी करवा सकते हैं। सो वो ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन के लिए हम ये भी दिलवा सकते हैं क्लाइंट तक। मतलब यहाँ पर ओवरऑल कहा जाए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे आपके पास में छोटा सेटअप हो वहां पर भी आपका सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, और एज वेल एज अगर बड़ा है तो बट ऑब्वियस है वहां पर तो ये सब चीजें काम करेगी ही। जी बिल्कुल। तो आदित्य, अब ये बताइए कि ये तो ठीक है, बात हो गई एक बाहर की, फॉरेन की, जहां पर हम लोग सिर्फ हॉलीवुड मूवीज के अंदर ये सब चीजें दिखा करते थे, व्हाट अबाउट द इंडिया? हमने इंडिया में अभी तक इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को नहीं देखा है, तो आप लोगों का क्या प्लान है इंडिया के अंदर और किस तरह से ये वर्कआउट करेगा? जी, तो एक्चुअली अभी हम बहुत स्टडी और रिसर्च एंड एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जैसे मैंने एक्चुअली, मेरी पिछली बार जब मैं इंडिया विजिट किया था, मैंने जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था, मैं बस फोन से एक वीडियो लिया। तो उसके बाद हमारे सर्वर पर हम एनालिटिक्स चलाएं, और अभी आप देख सकते हैं कैसे हमारा न्यूरो डिटेक्टर काम कर रहा है। हम हर गाड़ी को डिटेक्ट कर रहे हैं और उनका लाइसेंस प्लेट भी, और ये सारे हमारे सिस्टम लॉग पर रजिस्टर हो रहा है। यानी कि यहां तक एक चीज मैंने देखी कि आपने ये वीडियो मेरे साथ में पहले भी शेयर किया था और मैंने देखा था, तो ओवरऑल आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपके पास में अगर कोई भी तरह की फुटेज हो तो आप उसके ऊपर न्यूरो एनालिटिक्स चला सकते हैं और जो भी डेटा एनालिटिक्स है वो हम लोग यहां पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं।
तो एक चीज ये बताइए कि यहाँ पर ये कैसे फिजिबल होगा कि और इसकी एक्यूरेसी के बारे में अगर हम मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी, क्योंकि आपका कहना है कि यहाँ पर एनालॉग के अंदर भी सेम सिस्टम वर्क करने वाला है और आईपी के अंदर भी करने वाला है, तो जब आईपी और एनालॉग में करने वाला है तो फिर मैं आईपी में क्यों जाऊं, मैं एनालॉग ही आपको दे दूं ना। जी ये बहुत अच्छा सवाल है भरत जी, तो मैं बहुत सिंपल से आपको जवाब देता हूँ। एक्यूरेसी सब कुछ डिपेंड करता है फुटेज का क्वालिटी, तो बेटर द फुटेज बेटर द एक्यूरेसी। हमारे एनालिटिक्स सिर्फ ये फुटेज का क्वालिटी पर डिपेंड होता है ताकि वो एनालिटिक्स उन क्लाइंट्स को दिलवाएं। ओके सो अभी ये सब चीजें तो हो गई नॉर्मल सी, लेकिन हम इंडियंस के दिमाग में एक चीज जरूर आती है, जब भी हम कोई चीज को देखते हैं और पसंद आती है तो सबसे पहले दिमाग में घूमती है प्राइस। सो व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर? ऑफ कोर्स, तो कॉस्ट का पूरा डिपेंड भी होता है किन एनालिटिक्स सॉल्यूशंस हमको रिक्वायर करना है। तो हमारे कैमरा ऑप्शंस या जो एग्जिस्टिंग सेटअप है हम पूरी तरह वो कनेक्ट कर पा सकते हैं, हमको बस देखना है क्या एनालिटिक्स सॉल्यूशंस हम क्लाइंट को एंड यूजर को दिलवाना है। तो ये सारे एस्टिमेशन जब हम लेंगे हम वो भी एनालाइज करेंगे वो एसेंशियल एनालिटिक्स, ताकि वो चैलेंज हम मिटिगेट कर पाए क्लाइंट तक। ओवरऑल मतलब कॉस्ट बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर कस्टमाइजेशन पे ही डिपेंड है सब कुछ। एब्सोल्युटली। ओके तो ये बताएं अब ये ठीक है, चलो हम सब ने ये सब चीजें समझ ली, आप बैठे हैं रशिया के अंदर, हम हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, सो हम लोग आपकी कंपनी को कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्या सॉल्यूशंस आगे, मतलब कैसे क्या वर्कआउट होगा यहाँ पर? जी तो हम एक्चुअली डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, तो एक काम करता हूँ कि मैं आपके साथ मेरा ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कराऊंगा, और मैं जरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो सब्जेक्ट में ट्रेजर फॉर इंडिया जरा लिखवाएं और मैं जरूर उनके पास कनेक्ट करूंगा, और अगर चाहिए तो एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑनलाइन मीटिंग भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच आदित्य। सो दोस्तों यहाँ पर आदित्य का जो नंबर है, इवन उनकी जो कंपनी का कॉन्टेक्ट डिटेल है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को दे देने वाला हूँ। तो अगर आपके पास में कोई भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्वेरी है, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं अबाउट द ट्रेजर और अबाउट दैट VMS जो कि एक हाई एंड लेवल का एक सॉफ्टवेयर है, सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो टीम है या फिर खुद आदित्य सतीश जैसे भी फ्री होंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल सकता है और आपको इसके बारे में और डीप में नॉलेज मिल सकता है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आदित्य आपका कीमती समय हमारे साथ में स्पेंड करने के लिए और हमें एजुकेट करने के लिए स्पेशली। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड जय हिंद। जय हिंद। सो दोस्तों कैसे लगे मेरे इंटरव्यू के जो अंश हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि मैंने आदित्य सतीश के साथ में जो मेरे अंदर के जो सवाल थे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल होंगे, उसमें से कुछ सवाल तो मैंने पूछ लिए, लेकिन और भी कोई सवाल आपके दिमाग के अंदर है इन सॉफ्टवेयर्स को लेते हुए, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, वहां पर जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में अगर वीडियो देखना चाहते हैं और भी इसके अंदर डीप में जाकर देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इस तरह के सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो जरूर इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो भी लेकर आऊंगा आने वाले समय के अंदर। और अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और इंटरेस्टेड है, आपके पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं इन ब्रीफ के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं, कंपनी में जाके आप विजिट कर सकते हैं। साथ में आदित्य सतीश का जो नंबर है वो भी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ताकि आप उनसे डायरेक्टली बात कर पाएं और अपनी जो प्रॉब्लम है, आपके जो आप जो सॉल्यूशन डिजाइन करना चाहते हैं उसके बारे में आदित्य सतीश से अच्छे से समझ पाएं। बात करें अगर इस सॉफ्टवेयर के कॉस्ट की, तो बट ऑब्वियस सॉफ्टवेयर जहां पर इंक्लूड होता है वहां पर आपके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही यहां पर प्राइसेस डिजाइन होती है, तो इसके लिए आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, आदित्य सतीश से आपको बात करनी पड़ेगी, देन आफ्टर दे विल प्रोवाइड द परफेक्ट कोटेशन फॉर यू। सो अगर हमारा ये वीडियो आज की जो मेरी मेहनत है और ये अगर आपको पसंद आई हो और ये जो सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं वो अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के कंटेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और मेरे साथ में अंत तक यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।